सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। सो गाइस, आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है, ठीक है? क्योंकि गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2021 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइज, ये क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस डीप एनालिसिस के बाद तैयार किए हैं, यानी कि आज इस चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो चैप्टर 2 यूनिट 2 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको फिर इस चैप्टर से या इस यूनिट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बशर्ते आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें पूरी ईमानदारी से, ठीक है गाइज? सो गाइज, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यही हैं वो क्वेश्चंस जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, HBSC बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2021 क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूंगा गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस ये जो आज क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर 2 से, ये अपने तैयार कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और दो रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर से, वेंट ऑफ फैक्टर और अबनॉर्मल मोलर मास, उनका कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? ऑप्शन ए है मोलैरिटी, बी मोलैलिटी, सी नॉर्मेलिटी, डी फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स इज ड्यू टू? ए है लो टेम्परेचर, बी है हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर, सी है लो सरफेस टेंशन, डी है लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि आपके 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 18 MCQ, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 12 वन वर्ड, ठीक है? तो 3rd क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 0.1 MFeCl3, 0.1 M यूरिया, 0.1 M ग्लूकोज, 0.1 M NaCl। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम, ए है सरफेस टेंशन, बी है कंसंट्रेशन, सी है ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन, ये नीचे 4 ऑप्शन हैं आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव लिस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है? जिसमें लिस्ट फ्रीजिंग पॉइंट या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, 0.1 एम NaCl, 0.1 एम एसिटिक एसिड, 0.1 एम यूरिया, 0.1 एम कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द सब्सटेंस यूज्ड इन कार रेडिएटर्स एट एंटी फ्रीज, ठीक है? ये वन वर्ड क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन द 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट BP, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ये आपको सोल्व करने हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई वन वर्ड की, यानी जिनमें MCQ आ गए, फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए। अब चलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई NaCl सॉल्यूशंस फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.2 MCH3COOH। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन KB एंड KF। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल सॉल्यूशंस इज मोर कंसंट्रेटेड एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब, ये आपका लॉन्ग आंसर मान सकते हो, आपको डिस्क्राइब करने हैं ब्रीफली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज ऑस्मोटिक
प्रेशर, सारे लॉन्ग आंसर चल रहे हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से 21 है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, 22 है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और क्वेश्चन नंबर 23 आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो गाइज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। वैल्यू चेंज हो सकती है बट क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। सो गाइज फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।